हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन एज यू ऑल नो टूडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू लेसन नंबर एटीन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया ऑफ क्लास एट्थ सब्जेक्ट सोशल साइंस लास्ट क्लास में हमने रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट फर्स्ट फेज को देख लिया था और सेकेंड फेज को भी देख लिया था देन हमने पंजाब महाराष्ट्र और बेंगाल के रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में पढ़ा था आज की क्लास में हम प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरीज एंड देयर एक्टिविटीज़ से स्टार्ट करेंगे और ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ने वाले हैं जैसे राम प्रसाद बिस्मिल भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज के बारे में सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्रोमिनेंट रिवॉल्यूशनरीज एंड देर एक्टिविटीज़ नाउ अब हम हमारे इंपॉर्टेंट क्रांतिकारियों और उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे मनी वॉज अ मस्ट टू रन द रिवॉल्यूशनरीज मूवमेंट अ ग्रुप ऑफ रिवॉल्यूशनरीज फॉर सक्सेसफुल इन रॉबिंग द गवर्नमेंट कैश एट द काकोरी रेलवे स्टेशन ऑन ऑगस्ट नाइन नाइनटीन ट्वेंटी फाइव ऑन द सहारनपुर लखनऊ लाइन अब क्रांतिकारी आंदोलन चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी तो क्रांतिकारियों ने प्लान बनाया कि हम सरकारी खजाने को लूटेंगे और इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम काकोरी रेलवे स्टेशन पर जो सरकारी खजाना है उसको हम अगस्त 9, 1925 को लूट लेंगे और उनका ये प्लान सक्सेसफुल भी रहा और अ नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशनरीज़ वर अरेस्टेड आफ्टर दिस इंसिडेंट एंड वर ट्राइड ऑन दी काकोरी कॉन्स्परेसी केस अब जब इन्होंने काकोरी कॉन्स्परेसी करी और काकोरी रेलवे स्टेशन पर इन्होंने सरकारी खजाने को लूटा तो बहुत सारे क्रांतिकारियों को अरेस्ट कर लिया गया और बहुत सारे क्रांतिकारियों पर केस या मुकदमा चलने लगा फोर ऑफ देम राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खां रोशन सिंह एंड राजी व सेंटेंस टू टेथ और इनमें से जो चार इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी थे उनको फांसी की सजा दी गई कौन से क्रांतिकारी थे जिनको फांसी की सजा मिली वो थे राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खां रोशन सिंह और राजेंद्र लाहरी अदर सेवेंटीन व सेंटेंस टू लॉन्ग टर्म ऑफ इम्प्रजेंटमेंट और बाकी के जो सेवेंटीन क्रांतिकारी थे उनको काफ़ी लंबे समय के लिए उनको इम्प्रजनमेंट या जेल में ही रखा गया 1928, इन डिसम्बर 1928, ट्वेंटी एट द पॉपुलर लीडर ऑफ पंजाब लाला लाजपत राय डाइड ड्यू टू लाठी चार्ज बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लाहौर अब 1928 में एक ऐसा इंसिडेंस होता है दिसंबर मंथ में जिससे कि क्रांतिकारियों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बहुत ज़्यादा आक्रोश उनमें फैल जाता है होता ये है कि दिसंबर 1928 में पंजाब के बहुत पॉपुलर लीडर लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाहौर में उनके ऊपर लाठीचार्ज किया होता है मतलब कि लाला लाजपत राय को लाठियों से इतना मारा जाता है कि उनकी डेथ हो जाती है द रिवॉल्यूशनरीज इट राइट टू एवेंज द डेथ ऑफ देयर ग्रेट लीडर और इस वजह से क्रांतिकारियों में बहुत ज़्यादा गुस्सा फैल जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि कम से कम इस चीज़ का बदला तो हमें लेना चाहिए इन 1928, ट्वेंटी एट द पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स वॉज असेसिनेटेड और 1928 में क्या करते हैं क्रांतिकारी कि ब्रिटिश ऑफिसर सॉन्डर्स की को मार डालते हैं इन 1929 द रिवोल्यूशनरीज थ्रू टू बम्बस एट द लेजिस्लेटिव द असेंबली इन कैलकाटा और 1929 ट्वेंटी नाइन में अगिंग क्रांतिकारी एक और काम करते हैं कि दो बम फेंकते हैं कैलकाटा की लेजिस्टिव uh, असेंबली पर दिस वॉज डन इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट न्यू रिप्रेसिव लॉ एंड द अरेस्ट ऑफ थर्टी नाइन लेबर लीडर्स और ये भी बदले की भावना से ये क्रांतिकारी एक्टिविटी होती है कि जो इनका रिप्रेसिव लॉस थे मतलब कि ऐसे कानून थे जो इंडियंस को अच्छे नहीं रह, लग रहे थे उनके खिलाफ इन्होंने अपना गुस्सा दिखाया और 31 वन लेबर्स को मज़दूरों को इन्होंने लेबर लीडर्स को इन्होंने गिरफ्तार करके रखा था तो इस इस चीज़ का इन्होंने यहाँ पर गुस्सा दिखाया भगत सिंह सुखदेव एंड राजगुरु वर ट्राइड फॉर दिस कॉन्सप्रेसी और तीन मेन क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया वो क्रांतिकारी थे भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु वट एवर स्टेटमेंट्स रिवोल्यूशनरीज गेव इन द कोर्ट वर पब्लिश इन द न्यूज़ पेपर्स नेक्स्ट डे अब हो क्या रहा था कि जो भी स्टेटमेंट ये लोग कोर्ट में देते थे क्रांतिकारी या जो भी अपनी बातें बोलते थे अगले दिन न्यूज़पेपर में उसको प्रिंट कर दिया जाता था मतलब लोगों के बीच में हर एक बात पहुंच रही थी कि क्या हो रहा है कोर्ट में ये लोग क्या कह रहे हैं और इन लोगों के साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है दस द प्रोसीडिंग्स बिकेम नोन एज दे रीच्ड एवरी पार्ट ऑफ दैट कंट्री विथ ग्रेट स्पीड एंड वर अ सोर्स ऑफ इंस्परेशन फॉर रिवोल्यूशनरीज अब हो अब क्या हो रहा था कि हर एक बात इनकी आम आम जनता तक पहुंच रही थी और इससे क्या हो रहा था कि लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे थे क्रांतिकारी गतिविधियों से कि वो ये मान के चल रहे थे कि ये जो तीन लोग अरेस्ट हुए हैं ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए और उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर हो रहे थे और जो नौजवान थे जो यूथ थे वो भी क्रांतिकारी आंदोलनों में पार्ट लेने के लिए तैयार थे डिस्पाइट वाइट प्रोटेस्ट ऑल ओवर द कंट्री भगत सिंह राजगुरु एंड सुखदेव वर एग्जीक्यूटेड ऑन ट्वेंटी थ्री मार्च 1931। अब पूरे देश में बहुत विरोध हुआ लेकिन उसके बावजूद भी भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है दैट डे ऑफ द इंसिडेंट प्लन्स्ड एंटायर नेशन इन द ग्लू और उस दिन पूरा जो दे, देश के लोग थे वो एकदम बहुत दुखी हो जाते हैं और पूरे कंट्री में बहुत ज़्यादा उदासी उदासी छा जाती है द रिवोल्यूशनरीज वर इल ट्रीटेड इन द जेल्स और इसके बाद क्रांतिकारियों के साथ भी बहुत गलत व्यवहार होने लगता है जेल में देंट ऑन हंगर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ट्रीटमेंट मेटेड ऑल टू देम और उसके बाद इसके रिप्लाई में क्या करते हैं क्रांतिकारी कि ये लोग हंगर प्रोटेस्ट भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं क्योंकि उनके साथ काफ़ी गलत व्यवहार हो रहे थे द डेथ ऑफ वन ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज जतिन दास ऑन सिक्सटी फोर्थ डे ऑफ यंग्राइक शुक द कंट्री और इसी दौरान भूख हड़ताल के दौरान ही एक क्रांतिकारी जिनका नाम था जतिन दास अपनी चौसठवें दिन की भूख हड़ताल पर उनकी डेथ हो जाती है और इससे अगेन पूरे कंट्री में फिर शोक की लहर दौड़ जाती है और लोग बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और पूरी कंट्री में बहुत ज़्यादा उन लोगों को दुख होता है चंद्रशेखर आज़ाद वॉज बॉर्न एट भाबरा विलेज इन अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट के भाबरा विलेज में हुआ था ही एम्प्रेस्ड ऑन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट एट द टेंडर एज ऑफ फोर्टीन और जब वो सिर्फ चौदह साल के थे वो उस टाइम पर गांधी जी के नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट से जुड़ गए थे When he was arrested, he told his name was Azad. और uh, जब अंग्रेजों ने इनको अरेस्ट किया और इनसे पूछा कि आपका नाम क्या है तो इन्होंने अपना नाम बताया आज़ाद ही प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन काकोरी कॉन्स्परेसी सॉन्डर्स and एंड बॉम्बिंग एट assembly. और बहुत सारी इम्पॉर्टेंट क्रांतिकारी मोमेंट uh, में इन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था जैसे काकोरी कॉन्स्परेसी में सॉन्डर्स की किलिंग में और असेंबली में जो बॉम्ब फेंके गए थे उन सारी ही एक्टिविटीज़ में इन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था फाइनली सराउंडेड बाय ब्रिटिश पुलिस एट अल्फ्रेड पार्क इन अलाहाबाद ही शॉट हिम और ये आसानी से अंग्रेजों के हाथ नहीं आ रहे थे लेकिन फिर किसी कॉन्स्टिप्रेसी के थ्रू इनके किसी फ्रेंड ने ही इनके किसी साथी ने ही अंग्रेजों को इनके बारे में बता दिया था और अलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इनको ब्रिटिश पुलिस ने घेर लिया था और इनको पकड़ने की तैयारी कर ली थी और इन्होंने काफ़ी इनकी फाइट चली थी पुलिस के साथ में लेकिन जब इनको लास्ट में लगा कि अब ये अरेस्ट हो जाएंगे तो इन्होंने क्या किया कि लास्ट जो इनके पास गोली थी उससे अपने आप को शूट कर लिया अपने आप को ही मार दिया

जब इन्होंने रिवोल्यूशन को ज्वाइन किया क्रांति क्रांतिकारी आंदोलनों को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद उन्होंने क्या किया कि एक ब्रिटिश ऑफिसर हैक्सिट को मर्डर कर दिया यशवंत सिंह एंड देव नारायण तिवारी वर हैंग टू डेथ इन 1931 थर्टी वन इन जबलपुर और इसी कारण से यशवंत सिंह और देव नारायण तिवारी दोनों को 1931 में जबलपुर में फांसी पर लटका दिया गया हरिकष्न ट्राई टू किल द गवर्नर ऑफ पंजाब और हरिक्षन ने गवर्नर के पंजाब को मारने की कोशिश करी इन 1930 थर्टी थ्री हीरोज़ विनय बोस बादल गुप्ता एंड दिनेश गुप्ता एंटर द राइटर्स बिल्डिंग इन कैलकाटा एंड मर्डर्ड पुलिस सुप्रीटेंडेंट और 1930 1930 में तीन क्रांतिकारी जिनका नाम था विनय बोस बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता ये तीनों ये तीनों क्या करते हैं कि कैलकाटा की राइटर्स बिल्डिंग में घुस जाते हैं और पुलिस सुप्रिटेंडेंट का मर्डर कर देते हैं अभी तक हमने नॉर्थ इंडिया के क्रांतिकारियों के बारे में देखा है नाउ लेट्स सी अबाउट बेंगाल बेंगाल के क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ते हैं गणेश घोष अंबिका प्रसाद चक्रवर्ती निर्मल सीन एंड सूर्य सीन प्लेड इंपॉर्टेंट रोल्स इन द सेकेंड फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बेंगॉल अगर हम बंगाल की बात करें तो यहाँ के रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में मतलब सेकेंड फेज़ में फर्स्ट फेज़ में हमने देखा था ज़्यादा क्रांतिकारी आ, आक्रोश नहीं था लेकिन सेकेंड फेज़ जो था वहाँ पर काफ़ी एग्रेसिव था सो so, बंगाल के सेकेंड फेज रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में कुछ इम्पॉर्टेंट क्रांतिकारी थे जिनका नाम था गणेश घोष अंबिका प्रसाद चक्रवर्ती निर्मल सेन और सूर्य सेन इन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था द रिवॉल्यूशनरी इज़ लेड बाय सूर्य सेन रेडेड द आर्मरी इन छटगा इन 1930 अब सूर्य सेन ने एक रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को लीड किया था और इन लोगों ने क्रांतिकारियों ने क्या किया कि छठगाव में जो हथियार जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर इन्होंने रेड करी वहाँ पर लूटा 1930 में सूर्य सेन वॉज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ प्रोवेंशियल रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट और सूर्य सेन को प्रोविंशियल रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट बनाया गया था अबाउट 11 रिवॉल्यूशनरीज वर किल्ड इन एनकाउंटर विद इंग्लिश फोर्स और अप्रॉस ग्यारह क्रांतिकारी जो थे उनका इंग्लिश फोर्सेस के साथ में इनकाउंटर हुआ था और उसमें उनको क्रांतिकारियों को मार दिया गया था सूर्यसेन वो सेंटेंस टू डेथ दे, और सूर्यसेन को डेथ की मौत की सजा दी गई थी द वुमेन रिवॉल्यूशनरी प्रीति लता ओपन फायर एट द ब्रिटिश क्लब एंड लेटर कमिटेड सुसाइड बाई कंज्यूमिंग पॉइजन बेंगाल में वुमेन रिवॉल्यूशनरी महिला क्रांतिकारी भी काफ़ी एक्टिव थी एक थी प्रीति लता इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ब्रिटिश क्लब में फायर को ओपन किया था और उसके बाद में जब इनको लगा कि ये पकड़ में आ जाएंगी तो इन्होंने जहर खा के अपने आप को मार डाला था इन 1931 थर्टी वन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट व शॉट डेड बाय टू यंग गर्ल्स ऑफ कॉमिला शांति घोष एंड सुनीता चौधरी नाइनटीन थर्टी में फिर से कुछ फीमेल एक्टिविस्ट थी क्रांतिकारी थी जिन्होंने क्या किया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनको शॉर्ट डेट किया उनको गोली से मार दिया और इन दोनों यंग लड़कियों का नाम था शांति घोष और सुनीता चौधरी सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज दिस पीरियड बिटवीन 1942 फोर्टी टू टू नाइनटीन फोर्टी फाइव विद द साउंड ऑफ इंडियन फ्रीडम बियॉन्ड मध्य देश अब हम सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ते हैं 1942 से लेकर 1945 के बीच का जो पीरियड था इस पीरियड में मध्य देश के बाहर इंडियन फ्रीडम की बहुत ज़्यादा गूंज थी बहुत ज़्यादा आवाज थी एंड द हीरो ऑफ दिस मूवमेंट वॉज सुभाष चंद्र बोस और इस मूवमेंट के लीडर जो थे उनका नाम सुभाष चंद्र बोस था डिस्पाइट द अपोजिशन ऑफ गांधी जी इन थर्टीन नाइनटीन थर्टी नाइन बोस वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस गांधी जी के विरोध के बावजूद भी 1939 में बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे लेटर ही लेफ्ट कांग्रेस टू फाउंड द फॉरवर्ड ब्लॉक एंड बिगेन टू प्रोपोगेट द फीलिंग ऑफ रिवॉल्यूशन उसके बाद लेकिन उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और फॉरवर्ड ब्लॉक को उन्होंने फाउंड किया था एस्टैब्लिश किया था और उसके बाद वो लोगों के अंदर रिवॉल्यूशन की फीलिंग को प्रोपोगेट करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे ही सीक्रेटली लेफ्ट इंडिया एंड वेंट टू बर्लिन एंड देन टू जापान और फिर कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि वो चुपचाप इंडिया को छोड़कर चले गए वो बर्लिन गए पहले और बर्लिन के बाद वो जापान चले गए इन द मीन टाइम एट द इनिशिएटिव ऑफ रास बिहारी बोस कैप्टन मोहन सिंह वन ऑफ द इंडियन सोल्जर्स टेक इन प्रेसडेंट बाई जापनीज फॉम द आज़ाद हिंद हिंदोस और इसी दौरान राष्ट्र बिहारी बोस के इनिशिएटिव से उनकी पहल से कैप्टन मोहन सिंह जिनको जापानीज ने प्रिजनर बना के रखा था और वो कैप्टन मोहन सिंह जो थे वो इंडियन सोल्जर्स थे और जापानीज ने उनको प्रिजनर बना के रखा था तो इन्होंने आज़ाद हिंद फौज को फाउंड किया लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने एक नई जान डाल दी थी आज़ाद हिंद फौज में और उसके बाद ये नेताजी के नाम से फेमस हुए इन द कैपेसिटी ऑफ लीडर ऑफ आज़ाद हिंदौज ही फॉर्म अ टेम्प्रेरी इंडियन गवर्नमेंट इन सिंगापुर ऑन अक्टूबर 23 एंड टुक वो टू शेड लास्ट drop ऑफ ब्लड फॉर the फ्रीडम ऑफ the कंट्री आज़ाद हिंद फौज के लीडर होने के नाते सुभाष चंद्र बोस ने एक टेम्प्रेरी इंडियन गवर्नमेंट को फॉर्म किया था सिंगापुर में अक्टूबर 23 को और उन्होंने ये कसम खाई थी कि उनकी बॉडी का जो लास्ट ड्रॉप रहेगी ब्लड की खून का जो आखिरी कतरा रहेगा वो उनकी उनके कंट्री के फ्रीडम के लिए ही बहेगा इन 1944 आज़ाद हिंद फौज वॉज सक्सेसफुल इन मूविंग अप टू द ईस्टर्न बॉर्डर इन इंडिया और आज़ादी की इस लड़ाई में अब आज़ाद हिंद फौज जो है वो 1944 में सक्सेसफुली इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर पर पहुंच गई थी इन 1944 ही होस्टेड इंडियन फ्लैग इन कोइमा 1944 में उन्होंने इंडियन फ्लैग को भारत के तिरंगे को कोहिमा में फहराया एंड डेंसीस्ट इम्फाल और फिर उसके बाद उन्होंने इम्फाल को पूरा घेर लिया था बट ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ राशन एंड एक्सेसिव रेन्स लेकिन राशन की कमी होने की वजह से और बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से ही हैड टू रिट्रीट फ्रॉम देर उनको वहाँ से वापस आना पड़ा नेताजी के द स्लोगन गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम और उन्होंने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा फ्रेंड्स माय सोल्जर्स योर वार क्लैरियन शुड बी तेली चलो तेली चलो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अस विल सरवाइव टू विटनेस द फ्रीडम बट आई नो फाइनली वी विल विन नेताजी सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस सेट फ्रेंड्स माई सोल्जर्स मेरे मित्रों मेरे सैनिकों अब आपका वॉर क्लैरियन होना चाहिए दिल्ली चलो दिल्ली चलो मुझे नहीं पता कि कितने लोग जिंदा रहेंगे हमारी फ्रीडम को देखने के लिए लेकिन मुझे ये पता है कि फाइनली हम जीतेंगे इन 1944, फोर्टी फोर द अपोजिशन ऑफ जापान इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स हैरी बिग नाइनटीन फोर्टी फोर तक जापान की स्थिति वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत कमज़ोर हो चुकी थी हैंस डिसइंटिग्रेशन ऑफ आज़ाद हिंदौज ऑल्सो बिगिन और इसी वजह से आज़ाद हिंद फौज भी अब बिखरने लगी थी सुभाष चंद्र बोस वॉज ऑन वे टू बैंकॉक इन 1945 फोर्टी फाइव वेन हिज प्लेन क्रैश्ड एंड ही डाइड और सुभाष चंद्र बोस जब बैंकॉक वापस जा रहे थे 1945 में तो उनका प्लेन क्रैश हो गया और इसी वजह से उनकी डेथ हो गई हाउ वेयर हिज डेथ इज एन ईश्यू ऑफ डिबेट लेकिन अभी भी उनकी डेथ का जो कारण है वो एक डिबेट की वजह बना हुआ है मतलब कुछ डाउट्स हैं कि उनकी डेथ कैसे हुई थी अदर लीडर्स ऑफ आज़ाद हिंद फौज कॉलोनल शहनवाज खान कैप्टन प्रेम कुमार सहगल एंड गुरुबक्श्श सिंह वर ट्राइड फॉर ट्रीजन बट ड्यू टू माउंटेन प्रेशर फ्रॉम द पब्लिक दे वर नाट पनिश्ड और उसके अलावा आज़ाद हिंद फौज के जो लीडर्स कुछ और लीडर्स थे जैसे कॉलोनल शहनवाज़ खान कैप्टन प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह इन पर भी देशद्रोह का मुकदमा चला लेकिन पब्लिक का बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से इनको कोई भी सजा नहीं मिली द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट ऑक्युपाइज अ स्पेशल प्लेस इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत के क्रांतिकारी आंदोलन इंडियन हिस्ट्री में स्पेशल जगह ऑक्यूपाई करते हैं वेनेवर द पब्लिक मूवमेंट्स वीकेंड रिवॉल्युशनरी एक्टिविटीज़ हेल्प इन प्रिपेयरिंग द फेवरेबल एटमोसफेयर टू कंटिन्यू एफर्ट्स फॉर फ्रीडम और जब भी पब्लिक मोमेंट्स कमज़ोर हुए थे उस समय हर उस समय क्रांतिकारी आंदोलनों ने काफ़ी फेवरेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि जिससे लोग अपनी फ्रीडम को पाने के लिए कोशिश करते रहें कॉन्सिक्वेंटली द पाथ ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बिकेम ईजियर एंड इंडियन यूथ्स प्रेजेंटेड अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ डिवोशन एंड सेक्रीफाइस और इसी तरीके से इंडियन इंडिपेंडेंस को पाने का तरीका काफ़ी इजी हो गया और जो भारत के नौजवान थे उन्होंने यूनिक एग्जाम्पल दिए थे डिवोशन और सेक्रीफाइस के त्याग के दे विल ऑलवेज भी रिमेंबर्ड एंड रिस्पेक्टेड और भारत के इतिहास में उनको हमेशा ही याद रखा जाएगा और रिस्पेक्ट दिया जाएगा सो so स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमने इंडिया के रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में पढ़ा मतलब क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में पढ़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने इसमें कवर किए थे हमने इसमें रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज दोनों ही देखा था और उसके बाद में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा जैसे राम बिस्मिल भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा आई होप आप लोगों को ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा सो so, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आगे भी आप मेरे साथ पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा थैंक यू सो मच